हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सॉरी कि अभी मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के वीडियो पे नहीं आ रही हूँ और काफ़ी दिनों बाद मेरा वीडियो भी जा रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न यह है कि मैं वहाँ अभी दिल्ली और बंगाल में नहीं हूँ, थोड़ा बाहर आ गई हूँ, बाहर यानी कि गाँव पर आ गई हूँ, बिहार अचानक ही आना पड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों को कोई अपडेट भी नहीं दे पाई और यही कारण है कि मैं आप लोगों का वीडियो पे भी नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम ज़्यादा ही है। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है, नेट बिल्कुल भी नहीं चलता और वीडियो देखने के लिए प्रॉपर तरीके से नेट होना भी जरूरी है, और इसी वजह से मैं वीडियो एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इधर उधर कुछ काम की वजह से आई हूँ तो उसी में लगी हुई हूँ। और जैसे ही जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों का वीडियो भी देखूँगी और मैं अपना भी वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और मैं भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। तो ये जो वीडियो है वहीं का है, दिल्ली का ही है, तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये पहले का ही वीडियो है, अब तक तो चला जाता, मगर वही है कि काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी हो गई थी आने जाने के प्रॉब्लम से। और आज मैं अपनी मम्मी के यहाँ हूँ तो वहीं से मैं वीडियो एडिट भी कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी दे रही हूँ और यहीं पे अपलोड भी करूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेट जो है ना वो सही चलता है इसी वजह से। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ भी अजीब लगेगा और यहाँ पर मैं मॉर्निंग के ही टाइम में आज मुझे काफ़ी सारे खाने बनाना है, काफ़ी सारा तो नहीं बनाना है मगर जो सब्ज़ी बनानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दीपिका के ऑर्डर से खाना बन रहा है, यानी कि उसके मनपसंद का खाना बन रहा है। जब मैं उससे पूछी थी कि क्या बनाऊं तो कई दिनों से बोल रही थी कि कच्चे आम वाला जो दाल बनता है वो और करेले की सब्ज़ी, तो करेला दो दिन से ला करके रखा हुआ था और वो रखे रखे थोड़े से अजीब जैसे भी हो गए थे, तो वही मैं सुबह उठी, घूम करके आई हूँ, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, अब किचन में लग गई हूँ खाना बनाने में। तो एक तरफ मैं कढ़ाई में पानी रखी हूँ करेले को उबालने के लिए और करेला जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। करेला तो कई तरीके से ही बनता है तो मैं जैसे कि सिंपल तरीका ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा ताम झाम तो कर नहीं सकती क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना होता है तो उसके टाइम से पहले खाना भी बनाना पड़ता है। तो कच्चा आम छील रही हूँ दाल में डालने के लिए और एक तरफ अपने लिए पीने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ और एक तरफ पानी चढ़ाई हूँ करेला उबालने के लिए। तो बस यही सब काम चल रहा है और मैं सुबह सुबह इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा आराम से मतलब खा लें। बच्चे में यह है कि बस दीपिका को ही करेले, भरवा करेले पसंद है, वही खाती है और कोई नहीं। दिव्यांशु का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, राधिका थोड़ा बहुत खा लेती है बस। और थोड़े से कच्चा आम जो है वो दाल में डालूंगी और करेले में भी डालूंगी, तो एक ही बार छील करके रख लेती हूँ। बाकी आप लोग बने रहिए वीडियो में और वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। एक दिन पहले ही मैं मसाला पिसवाई थी, वो भी मतलब रात में लाई थी उधर से, तो फिर लाते ही तुरंत मैं खाना बनाने में लग गई, टाइम ही नहीं मिला कि डब्बे में भर के रख दूँ, तो वो भी उधर कोने में पड़ा हुआ था, साथ के साथ उसको भी सेट कर देती हूँ। और एक तरफ करेले उबल रहे हैं, एक तरफ दाल उबल रहे हैं, तो वही सब काम जो है वो चल रहा है और बाकी की जो तैयारी है ना वो मैं साइड बाई साइड करते जा रही थी, यानी कि प्याज वगैरह छिलना, कट करना, छिल करके और चॉपर में ही प्याज मैं कट की थी ताकि बारीक बारीक अच्छे से हो जाए। और करेले भी उबल ही चुके हैं, देखिए करेले तो कई तरीके के बनते हैं मगर मैं थोड़ा सा उबाल करके ही बनाई हूँ, ऐसे भी बनाती हूँ कच्चे वाला जो करेले के ऊपर का स्किन निकाल करके बनता है, वो भी कभी मैं आप लोगों के साथ उसकी प्रॉपर तरीके से रेसिपी भी शेयर करूँगी और मेरे चैनल पे अपलोड भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, मैं लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेक कर सकते हैं। और यहाँ करेले उबल चुके हैं, करेले को उबालते समय इतना ध्यान देना उसमें नमक ज़रूर डालें थोड़ा ताकि कड़वापन उसका ख़त्म हो जाए। और करेले उबलने के बाद मैं चावल भी चढ़ा दूंगी क्योंकि चावल भी बनेगा, दाल भी बनेगा, सब्जी भी और रोटी भी, और वो सारा खाना मुझे 9 बजे के अंदर तक ही बनाना होता है तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी है, इतना जल्दी नहीं है, वीडियो तो थोड़ा सा फास्ट किया हुआ रहता है मगर थोड़ा सा तो जल्दीबाजी रहता ही है खाना बनाने में। अभी मैं मसाले को निकाल रही हूँ उसको रोस्ट करने के लिए, भरवा करेले के लिए तैयार करूँगी। तो भरवा करेले में मसाले वही होते हैं, धनिया, साबुत धनिया, जीरा 1 चम्मच, राई के दाना 1 चम्मच और सौंफ,
मगर मैं बताऊं, हाल फिलहाल में मैं किचन क्लीन की थी ना, तो सौंफ पता ना कहाँ रखा गया था। काफ़ी देर से मैं ढूंढ रही थी, फिर नहीं मिला। जब लास्ट में मसाला पीस ली थी उसके बाद मुझे याद आया, तब मैं फिर बाद में तवा पे उसको गर्म करके डाली हूँ। और थोड़ा सा इसमें जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, ऐसे करके ही मसाले डालते हैं। और फिर मैं देखी भी हूँ, काफ़ी लोग मूंगफली का दाना भी डालते हैं इसमें रोस्ट करके, मगर मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ। मगर मन कर रहा है कि एक बार ना ट्राई करूँगी कि मूंगफली का दाना भी डाल करके किस तरीके से बनाते हैं। और पहले ट्राई करूँगी, टेस्ट करूँगी, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो मसाले हो गए हैं रोस्ट, अभी थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद इसको मैं पीस दूँगी। इतना ध्यान देना है कि मसाले को ना ज़्यादा खूब नहीं फ्राई करना है, अगर थोड़े से भी अगर ये जल जाए, थोड़ा सा लग जाएगा तो टेस्ट जो है ना वो कड़वापन और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मसाले में ऐसे भी थोड़ा सा तो कड़वापन होता ही है। अभी मैं प्याज फ्राई करूँगी, उसी कढ़ाई में सरसों का तेल डाली हूँ और उसमें कुछ भी नहीं डालना, अच्छे से तेल गर्म हो जाए बस प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज के साथ में मैं लहसुन को भी चॉपर में और कच्चे आम को भी चॉपर में ही चॉप कर ली थी, ताकि साथ के साथ सारे जो है प्याज और वो कच्चा आम लहसुन सब फ्राई हो जाए अच्छे से। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक लहसुन काट करके रख ली हूँ दाल में छौंका लगाने के लिए। अरहर की दाल में लहसुन का छौंका मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ के साथ मैं मसाले भी पीस करके रख लूँगी ताकि लेट बिल्कुल भी ना हो। और जब सुबह के टाइम हम जब भी इस तरीके का चीज़ बनाते हैं ना, तो घड़ी पर भी नज़र रहती है कि पता नहीं कितना टाइम हो, जब कोई ड्यूटी जाने वाले होते हैं तब, और सबके यहाँ तो ड्यूटी जाने वाले होते ही हैं। तो इधर मैं प्याज भी फ्राई कर रही हूँ, मसाले भी पीस रही हूँ। और अभी देखिए, अब मिला है सौंफ, तो अब इसको भी गरम करूँगी तवा पे ही थोड़ा सा। कभी कभी होता है ना, जब हम किचन की क्लीनिंग करते हैं तो सामान इधर का उधर हो जाता है, और उस दिन किचन क्लीन करने में ज़्यादा मुझे लेट भी हो गया था, तो इसी वजह से जहाँ जैसे जगह मिला वैसे मैं सेट कर दी। मैं सोची कि बाद में करूँगी और फिर वैसे का वैसे ही धरा का धरा ही रह गया, इसी वजह से नहीं मिल रहा था बस। नहीं तो बाकी का सामान तो डब्बे में पैक रहता ही है, उठाइए और काम कर लीजिए। प्याज जो है वो हल्का सा कलर चेंज कर दिया है, तो उसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। जितना मसालों में जितना आपको मसाले में नमक रखना है उसी के हिसाब से स्वाद के लिए इसी टाइम पे नमक डाल दें। और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि मसालों में अच्छा सा कलर आ जाए। और इन सबको अब अच्छे से भूनना है, यानी कि प्याज का जो कलर है वो अच्छे से सुनहरा कलर तक और अच्छे से पक जाए, तब तक इसको भूनते रहेंगे। और तब तक मैं दाल का भी काम कर लेती हूँ, यानी कि छौंका लगाना। और दीपिका उठ करके आ गई है, सबसे पहले यही सवाल था खाने क्या बन रहा है, जैसे मैं बताई दाल चावल और वो करेला भरवा वाला, तब खुश हो गई थी। और जो आम डाले हैं ना दाल में, उसको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं या चाहे तो रहने भी दे सकते हैं, मैं तो वैसे ही रहने देती हूँ। और अभी थोड़ा सा आटा लगा लूँगी, बस चार रोटियाँ ही सेकनी है, ज़्यादा रोटी नहीं बनेगा, क्योंकि जब चावल बन जाता है ना तो रोटी कोई नहीं खाता है मेरे घर में, तो इसीलिए मैं उसी मुताबिक फिर बना लेती हूँ। आटा लगा करके रख ली और प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब दाल में छौंका लगाने से पहले ना इसको गर्म करूँगी, क्योंकि हल्का सा मुझे लग रहा था कि ये ठंडा हो चुका है, और ठंडे दाल में छौंका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो जब भी दाल में छौंका लगाएं तो दाल अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है, तो इसको एक उबाल तक गर्म कर लूँगी, यानी कि अच्छे से थोड़ा सा उबाल आने लगेगा, उसके बाद इसमें छौंका लगा दूँगी। और ये जो मसाले हैं मिक्सी के जार में, उसको इसी प्याज में डाल करके
और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है ना, तो आमचूर जो पाउडर होता है वो इसी टाइम ऐड कर सकते हैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच। और मसाले को टेस्ट कर सकते हैं कि नमक कैसा है या खट्टापन जो है वो कैसा है, क्योंकि करेला है कड़वा होता है, तो उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर या जो भी आप आम डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ती है ताकि कड़वापन उसका दूर हो जाए। और दाल में छौंका लगाऊंगी सरसों के तेल से ही, और लहसुन और थोड़ा सा जीरा और चुटकी भर हींग, क्योंकि इस दाल में ना प्याज और टमाटर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी मैं उसी कढ़ाई में जल्दी जल्दी बस 2 करेले को मसाला भर करके और 2 करेले ही फ्राई की हूँ ताकि लेट ना हो जाए। और मैं 4 रोटी भी सेकूँगी अभी, क्योंकि साथ के साथ दोनों काम करना पड़ रहा था, चावल बन चुका है, तो बस 2 ही करेले में मैं मसाला भरी हूँ, बाकी के जो करेले हैं वो साइड में रख दूँगी और जब ये चले जाएंगे उसके बाद आराम से बनाते रहूँगी, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा। और मसाला भरने के बाद धागा ज़रूर लपेट दें ताकि इसको अलटने पलटने में मसाला जो है वो बाहर ना निकले। और इसी के साथ जो है ना आज का मैं वीडियो ये वाला यहीं पे एंड करूँगी। इसके आगे का भी वीडियो है मगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, बाय।